भारत ने आबादी के मामले में चीन को पछाड़ दिया है। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के मुताबिक भारत की आबादी 142 करोड़ 86 लाख पहुंच गई है, वहीं चीन की आबादी 142 करोड़ 57 लाख है। यानी चीन की तुलना में भारत की आबादी 29 लाख ज़्यादा हो गई है। आंकड़ों के सामने आते ही भारत के लिए समस्याओं के साथ साथ चुनौतियां भी बढ़ गई हैं। बढ़ती जनसंख्या मामले को लेकर एक बार फिर बीजेपी के फायर ब्रिगेडियर नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग की है। उन्होंने कहा कि भारत ने आबादी के मामले में चीन को पछाड़ दिया है, इसलिए हम जनसंख्या नियंत्रण कानून की लगातार मांग कर रहे थे। मेरा व्यक्तिगत राय आज लगभग 20 साल से हम इस विषय को उठा रहे हैं। जब मैं बिहार में मंत्री बना तो मेरी बातों को सरकारी तौर पे नकार दिया गया। इसे हिंदू और मुसलमान से देखा गया। ये हिंदू और मुसलमान के चश्मे से बढ़ती हुई आबादी को देखने वालों के लिए मेरा आग्रह है, तुम राजनीति करें, तुष्टिकरण करें, लेकिन बढ़ती हुई आबादी भारत के होलिस्टिक विकास के लिए खतरा है। हमारे संसाधन सीमित हैं, हमारे पास जमीन मात्र 2% 2.5% कहते हैं, लेकिन अब तो श्रिंक कर गया। पानी 3 से 4% है और आबादी हम चाइना से अधिक हो गए। चाइना को सुपर मैं नहीं कह रहा हूँ, ये यूनाइटेड नेशन ने कहा। आज देश के अंदर ये टुकड़े टुकड़े गैंग, मैं नाम नहीं लेना चाहता, ओवैसी कहते कि धमकाते हैं, लोगों को डराते हैं आबादी के नाम पर। डरा नहीं रहा हूँ। मोदी जी अच्छे कानून लाते हैं तो भी विरोध होता है, जनसंख्या पर तो पहले ही से विरोध कर रहे हैं। तो ये पूरे राजनीतिक दलों को, पूरे देश को इस पर एकजुट होना चाहिए, देश के विकास के लिए। क्या आप नहीं चाहे, आज खुशी नहीं मना रहे हैं जब भारत की इकोनॉमी इंग्लैंड से ऊपर हो गया? क्या 79 में अगर चाइना नहीं लाया होता तो चाइना की जीडीपी हमसे नीचे था? आज उसने 60 करोड़ आबादी को रोकने का काम किया। मैं ये कह रहा हूँ, कानून के साथ साथ अंदर में भारत माता के प्रति, भारत के प्रति एक समर्पण की भी जरूरत है। मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है, देश के बहुसंख्यकों ने, देश के सिखों ने, देश के जैनियों ने, देश के बौद्ध संप्रदाय को मानने वाले लोगों ने, इन लोगों ने मान लिया है जनसंख्या नियंत्रण कानून अपने घर में। लेकिन एक समाज है जो मानने को तैयार नहीं है। आज संयुक्त राष्ट्र संघ ने आईना दिखाने का काम किया है। ये आबादी उन्हीं की है जो दर्जन बच्चा पैदा करते हैं, एक खास समुदाय के। ये अगर अभी भी पूरे देश पक्ष और विपक्ष, क्योंकि मोदी जी कोई भी कदम उठाएंगे टुकड़े टुकड़े गैंग और विपक्ष उसका विरोध करें। ये जब जीएसटी में कर गए तो और किस चीज में छोड़। इसलिए आज पूरे देश के लोगों को शपथ लेना, आखिर ये बच्चे कहां पैदा हुए हैं, किसके घर में पैदा हुए? अगर हमारे पास जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं लगा तो आने वाले दिन में हमारे लिए संकट पैदा होगा। बहरहाल बढ़ती जनसंख्या के मामले को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कानून बनाने के पक्ष में नहीं हैं। वे लगातार मीडिया द्वारा किए जा रहे सवालों पर उनका एक ही जवाब होता है कि वे महिलाओं को शिक्षित कर रहे हैं ताकि प्रजनन दर कम हो जाए और जनसंख्या अपने आप में नियंत्रण हो जाएगी। अब ऐसे में देश की जनसंख्या बढ़ी है, ये चिंता का विषय तो ज़रूर है, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि जनसंख्या कम करने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा क्या पहल की जा सकती है।
अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। ऐसी और खबरें जानने के लिए बने रहें भैया जी गजब के साथ।